कक्षा 1 से 3 की स्कैनिंग के लिए इस तरीके से सरल ऐप का प्रयोग करना है। पहले प्ले स्टोर पर जाकर सरल ऐप सर्च करें, उसके बाद कुछ ब्लू से आइकन दिखने वाला जहाँ टेक्नोसिस सर्विसेज लिखा हो उस ही ऐप को केवल डाउनलोड करें और फिर ओपन करें। आप देख पाएंगे एक स्कूल आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जो आपके साथ लेटर साझा भी किया जाएगा। उसी स्कूल आईडी एवं पासवर्ड को यहाँ अंकित करें और उसके बाद नीचे एक रिमेंबर मी का जो आइकन है उस पर बटन को दबाएं ताकि आपका वापस लॉगिन ना करना पड़े। उसके बाद आप जिस कक्षा का स्कैनिंग करना चाहते हैं उस कक्षा का चयन कर सकते हैं। सेक्शन का चयन अपने आप हो रखा होगा। सब्जेक्ट में जिस सेट के थ्रू आपने बच्चे का आकलन किया है एवं दिनांक ये ऐप में होगी, इसका चयन करें और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास सभी बच्चों की उस कक्षा के आपके स्कूल में सभी बच्चों की एक सूची आ जाएगी जहां उनका 9 डिजिट का आईडी होगा और उनका नाम होगा। यहां पर जो बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं, जो आकलन में एब्सेंट हैं, उन सभी बच्चों को एब्सेंट मार्क कर दें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस 9 अंकीय आईडी की एक सूची अपने साथ बना के पहले से रख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं स्कैन स्टेटस एवं सेव स्टेटस 0 है। स्कैन करने के लिए अब हम कंटिन्यू स्कैन के बटन पर दबाएंगे। जब तक गोला घूम रहा है इंतज़ार करें। उसके बाद नीचे वाले मोटे से लाल रंग के स्कैन बटन पर क्लिक करेंगे। इससे पहले आपका OMR शीट एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर रखा होना चाहिए। धीरे धीरे उसके बाद अपने कैमरा को ऊपर लेकर जाएंगे, फोकस करेंगे और एक हरा रंग का डब्बा चारों काले गोलों के साथ बना आएगा। जब ये डब्बा बनेगा तभी स्कैनिंग हो पाएगी। प्लीज़ वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस जब लिखा हो तो कृपया वहीं उस स्थिर जगह पे रहें। और जैसे ही स्कैन हो जाएगा वैसे ही आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जहाँ स्टूडेंट आईडी एवं बच्चे के मार्क्स लिखे होंगे। 1 नंबर का ये मतलब है कि बच्चे ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और 0 का मतलब है गलत उत्तर दिया है। यदि कोई त्रुटि हो तो आप इस डेटा को एडिट कर सकते हैं और अपने बच्चे के असेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ के उसे चेक करके ही आगे बढ़ें। यदि स्टूडेंट आईडी में कोई त्रुटि हो तो उसे भी आप अपने ओर से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जब सभी बच्चों का 8 बच्चे जिनका 1 OMR शीट से आकलन आपने कर लिया है और उसे स्कैन कर दिया है उसे आप चेक करके आगे सबमिट भी कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद 1 OMR शीट का डेटा जिसमें 8 बच्चों का डेटा है वह स्कैन हो जाएगा और आपका स्कैन स्टेटस में 8 दिखेगा एवं सेव स्टेटस में 0 दिखेगा। और शीट स्कैन करने के लिए आप नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार में 3 से 4 शीट से ऊपर स्कैनिंग ना करें। जब आप सारी शीट्स को स्कैन कर लें उसके बाद सेव करना होगा डेटा को। सेव करने के लिए बैक बटन पर क्लिक करना होगा। बैक बटन पर क्लिक करने के बाद सेव ऑल स्कैन का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। जब आपके पास ये मैसेज आ जाएगा तो सेव सक्सेसफुली के बाद आप देख पाएंगे कि सेव स्टेटस अब 8 हो गया है। इसका मतलब है कि 8 बच्चों का डेटा सेव हो चुका है। जब तक यहाँ हम डेटा को सेव नहीं करेंगे तब तक डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके बाद जब आप सभी बच्चों की स्कैनिंग पूरी कर लें तो डैशबोर्ड बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आप अगली कक्षा का चयन करके अगली कक्षा की स्कैनिंग कर सकते हैं।